ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ, क्योंकि मतलब इसने इतने सारे षड्यंत्र रचे, इतना गेमिंग प्लानिंग प्लॉटिंग किया जस्ट टू यू नो विप्लव को पाने के लिए। पर एंड ऑफ द डे इतना कुछ करने के बाद, इतना प्यार करने के बाद भी जब सच्चाई सामने आता है और विप्लव उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कामिनी पागल हो चुकी है, मतलब पूरी अपने आप से बाहर हो चुकी है। आज के सीन की बात करें तो आज का सीन बड़ा ही ड्रामेटिक था और आपकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक थैंक यू तरह सो मच। का मोनोलॉग लग रहा था वो, तो उसके लिए आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के परफॉर्मेंसेस करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरे गला ही बैठ चुका है, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल आपकी ब्रीदिंग पे काम होता है, आपके दिमाग में होता है, आपके इमोशन सब चीज़ एक मिल के फिर ये सीन आता है। और जब आप अपने आत्मा से परफॉर्म करते हो तो खुशी तो मिलती है। तो डेफिनेटली मैं तो देखते हैं अभी आप लोगों को कैसा लगे, लोग तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, अच्छा कर किया है। सो आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ऐसा चैलेंज दिया गया है। और एक एक्टर का ना सपना होता है एक एक सीन ऐसा उसको मिले कि जहाँ वो परफॉर्म कर पाए, तो ऐसा सीन मुझे मिला है एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। दैट्स व्हाट। और आगे क्या होगा कामिनी का? वो तो नहीं पता कामिनी क्या करेगी, क्या वो मर जाएगी या इसको जेल हो जाएगा। वो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि पाप तो इसने किया ही है। चाहे कुछ भी हो, बोलते हैं ना हद से ज़्यादा कुछ भी सही नहीं है, ना प्यार ना गुस्सा ना थक। पर जो भी है, ये किसी का बुरा पहले से नहीं करना चाहती थी। ये अपने प्यार से चलते 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 एक बुरे रास्ते पे चली गई। उसको सिर्फ वही चीज़ दिखा कि उसे उसके लिए सब सही यही लगा कि विप्लव उसके लाइफ में आ जाए, बस उसके लिए इसने ये सब किया।